नवाब शाह मरूफ सहाफ़ी अलियास कंबू की क़ियादत में बलोचिस्तान के सहाफ़ियों ने नवाब शाह के दौरा के मौके पर नवाब शाह प्रेस क्लब का विज़िट किया। इस मौके पर बलोचिस्तान के सहाफ़ियों ने अपने तासरात का इजहार किया। आइए देखते हैं कबीर अवान की इस रिपोर्ट में। यहाँ पर पहुँचे अल पाकिस्तान के टूर पे निकले थे और हमारे यहाँ पहला पड़ाव यहाँ पर था, तो यहाँ पर आज यहाँ के जो साफ़ी दोस्त हैं जनाब इस्माइल जुमकी साहब और दीगर जो दोस्त हैं साफ़ी, उन लोगों ने हमें पज़ीराई बख्शी और यहाँ पर हमारा ना सिर्फ इस्तकबाल किया बल्कि यहाँ पर प्रेस क्लब का विज़िट कराया, डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात भी कराई और यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी अच्छी का ब्रीफिंग दी। और यहाँ पर हमने प्रेस क्लब आकर विज़िट किया, प्रेस क्लब को देखा, हमें बड़ी खुशी हुई। तो यहाँ के साफ़ी जो प्रोफेशनल साफ़ करते हैं वो प्रोफेशनल साफ़ी हैं और यहाँ पर अच्छी एक बिल्डिंग और अच्छा एक इमारत यहाँ पर मौजूद है प्रेस क्लब की, और यहाँ के जो साफ़ी हैं वो भी इंतहाई प्रोफेशनल साफ़ी हैं और ये जानकर हमें इंतहाई खुशी हुई। थैंक यू लाठी प्रेस क्लब मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा जनाब जयस कंबो साहब का कि उन्होंने इस प्रोग्राम इस विज़िट में हमें अपने साथ शामिल किया। इसके अलावा मैं इस्माइल साहब का भी मशहूर हूँ जिन्होंने आज हमें प्रेस क्लब में बुलाकर हमें इज़्ज़त बख्शी और जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब ने इसका हमें ब्रीफिंग दी, वो भी एक काबिले दीद थी। और जिस तरह उन्होंने बताया कि शहीद बेनज़ीर आबाद में जो तरक्याती काम हो रहे हैं और करोड़ों रुपए यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और बड़े मेगा प्रोजेक्ट हो रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा इकदाम है। मेरा ताल्लुक बलोचिस्तान से है, मैं यहाँ पर नवाब शाह शहीद बेनज़ीर आबाद आकर जो यहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट्स की बात इसी साहब ने ब्रीफिंग दी और आप साफ़ी दोस्तों ने जो ब्रीफिंग दी उनको देखकर मुझे ये अंदाज़ा हुआ। डीसी साहब ने कहा कि पूरे बलोचिस्तान में इतनी यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं जितनी एक डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटियाँ हैं, और जो मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा था कि सिंध में काम नहीं हो रहा है, सिंध में काम नहीं हो रहा है, मैं समझता हूँ कि अगर जो लोग ये कहते हैं कि काम नहीं हो रहा है सिंध में, वो नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट को आके देखें, उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। शहीद बेनज़ीराबाद में आकर हमारे दोस्तों को बड़ी खुशी हुई और यहाँ प्रेस क्लब आकर भी हमें दिली इत्मीनान और सुकून हुआ कि जिस अंदाज से यहाँ के सहाफ़ियों ने मिलकर ये बेहतरीन जगह बेहतरीन प्रेस क्लब की इमारत बनाई वो काबिले दीद है। और डिप्टी कमिश्नर ने आज जो हमें ब्रीफिंग दी, करोड़ों रुपये इस डिस्ट्रिक्ट में खर्च हो रहे हैं, अबरार जाफर डिप्टी कमिश्नर ने जो तफसीलात बताई, जो ब्रीफिंग दी, उसके मुताबिक करोड़ों रुपए के अखराजात से यहाँ पे सड़कें और दीगर मनसूबाजात जेर तकमील हैं और यकीनी तौर पे उनकी तकमील के बाद इस डिस्ट्रिक्ट में मज़ीद चार चांद लग जाएंगे। यहाँ पर मैं इंतहाई मशहूर हूँ नवाब शाह की इस सहाफ़ी बरदरी का, ख़ास तौर पर अपने दोस्त इस्माइल डोमकी साहब का, जिन्होंने आज नज़बेला बलोचिस्तान के हमारे इन सहाफ़ी दोस्तों की बेहतरीन अंदाज से पज़ीराई की, बड़ा शानदार इस्तकबाल किया और यहाँ के इस ज़िला के बारे में तफसीलात से आगाह किया। मैं आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट नज़बेला की दावत देता हूँ, आप आएँ और नज़बेला डिस्ट्रिक्ट का विज़िट करें और इसी अंदाज से आपको इंशाल्लाह वहाँ के इलाके की डेवलपमेंट से मुतल्लिक हम आगाह करेंगे। आल पाकिस्तान यूट्यूबर के बारे में हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं हर प्रेस क्लब के सदर और हमारे दरीना दोस्त मोहतरम इलियास कंबो साहब के, वो उन्होंने आज हमारी जो बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ा के दोस्तों से साथी दोस्तों से मुलाकात करवाई है। ये हमारे दोस्त जो हैं ये आज पाकिस्तान टूर पर निकले हैं और यहाँ इन्होंने पहला पड़ाव मुआवजा किया है, हमें बड़ी खुशी हुई है इस बात की कि इतने सारे साथी दोस्तों से और हमारे प्रोफेशनल साथी ये टूर पर निकलने से जो उन्होंने पहला पड़ाव मुआवजा किया, हमसे मुलाकात हुई, हम इनको फिर दावत देते हैं कि ये सेकंड टूर जब रखें तो ये सांगरवी तशरीफ़ लाएँ और ताकि हमें इनकी खिदमत का मौका मिले और हम भी इंशाल्लाह ताला जो है वो इनका शुक्रिया अदा करने के लिए हम प्रेस क्लब जाएंगे और दीगर लोगों को जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इलियास कंबो साहब का और दीगर हमारे तमाम जितने भी आने वाले दोस्त
दोस्त हैं साहब भी, उनसे मुलाकात हुई, हमने बहुत कुछ सीखने का